हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आज हम आ गए हैं इंद्रलोक। जी हाँ, इंद्रलोक में आज हम कपड़े मार्केट में नहीं है, आज हम है कूलर मार्केट में। जी हाँ, गर्मियों का टाइम है तो कूलर तो सबको चाहिए ही। कूलर अपनी जगह होता है, एसी अपनी जगह ठंडक देता है, बाकी कूलर तो आपको पता ही है कि हर घर की ज़रूरत होती है गर्मियों में। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए इंद्रलोक की कूलर मार्केट में, जहाँ की आपको मिलेगा सबसे ही सस्ता कूलर। पूरे दिल्ली में सबसे सस्ती मार्केट कूलर की इंद्रलोक ही है। बाकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि लोकेशन में अगर आपको पता ही होगा कि आप कपड़े मार्केट में जाने के लिए इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे उतरते हैं, तो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे उतर के आपको कपड़े वाली लाइन में नहीं जाना, आपको रोड क्रॉस करके दूसरी साइड आ जाना है। उसके अपोजिट में जो आपको मार्केट दिखेगी वो कूलर की ही मार्केट है। आपको बाहर ही दिख जाएंगे, स्टैंड के पीछे देखिएगा आप, वहाँ पे सारे कूलर 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 लगे हुए हैं। गली के अंदर जाएंगे तो भी कूलर मिल जाएंगे, मेन रोड पे भी कूलर की शॉप है वहाँ पे। और उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पता ही होगा कि इंद्रलोक फेमस ऊन के लिए भी है, तो ऊन की मार्केट भी है वहीं पर। बाकी अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। मैं आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहले मैंने ये शॉप देखी जहाँ पर ये कूलर मिल रहे थे। ये छोटा वाला कूलर, इतना छोटा भी नहीं है, इसका साइज़ मीडियम था, जो कि मिल रहा था 1000 रुपये का। हाँ जी, मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि 1000 रुपये में इतना बढ़िया कूलर मिल रहा था। देन ये थोड़ा सा बड़ा था उससे, इसका प्राइस था 5000 रुपये। हाँ जी, इसका प्राइस था 5000 रुपये। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा साइजेस वगैरह का। ये जो दूसरा कूलर है ग्रीन वाला, ये था 4500 का। ऊपर ये जो छोटा वाला है इसका प्राइस था 2200। अगर आपके घर में जगह नहीं है ज़्यादा सामान वगैरह रखने की, कूलर रखने की, तो आप छोटे कूलर के साथ भी जा सकते हैं, सारे ही किफ़ायती होते हैं। ये बड़ा वाला, ये तो एकदम ही बड़ा साइज़ लगा मुझे, ये 5200 का था, बहुत ही बड़ा साइज़ था इसका। बाकी इन कूलर्स के ऊपर गाइस आजकल ऊपर आइस रखने का भी मिल जाता है आपको, जिसमें आप यहाँ से आइस डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अगर आप लोहे में जाना चाहते हैं, लोहे का कूलर वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये भी अच्छे हैं पीछे वाले कूलर। इनका प्राइस उन्होंने मुझे बताया कि 4000 है। हाँ जी, इनका प्राइस 4000 बताया। जो पीछे कूलर दिख रहे हैं ये 18 इंची कूलर, इन्होंने मुझे बताया 18 इंची कूलर आपको मिल जाएगा 4000 का। बाकी बारगेनिंग वगैरह हो जाती है, अगर आप मार्केट जाएंगे तो आप बारगेनिंग तो करेंगे, ऑब्वियसली हर कोई करता है। बाकी ये जो दूसरी शॉप में आई मैं, यहाँ पे ये सुंदर सा कूलर मुझे दिखा। आजकल काफ़ी फैंसी कूलर भी चल रहे हैं, कई लोगों को होता है कि नहीं हमें पुराने टाइप का कूलर अपने घर पे नहीं लगाना है, तो वो ये फैंसी वाले के साथ जा सकते हैं। यहाँ जो नीचे बटन दे रखा है यहाँ से पानी वगैरह डाल सकते हैं कूलर में। ये साइड में इसके पूरे फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं कि क्या क्या है इस कूलर में। बाकी इसका इन्होंने मुझे बताया कि 4 फुट इसका होगी, 4 फुट का कूलर है, काफ़ी ही सॉलिड बॉडी है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा कूलर है। कलर डिज़ाइन आपको सारे मिल जाएंगे इनके पास। कंपनी यहाँ पे कोट हो ही रही है कि कौन सी कंपनी, आर के विन करके कोई कंपनी है। बाकी लोहे वगैरह के कूलर भी थे इनके पास, साथ साथ रेट होता जा रहा है फ्लैश। अगर मैं ना भी बता पाऊँ तो आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा कूलर कितने का है। बाकी ये जो ग्रीन वाला कूलर है यहाँ पे क्लासिक वाला, इसका प्राइस बताया उन्होंने मुझे 3000। हाँ जी, ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ में लगा मुझे, काफ़ी अच्छा कूलर था। देन इसके साइड में ये जो बड़ा वाला कूलर दिख रहा है आपको, बहुत ही बड़ा है, ये 4500 रुपये का है। हाँ जी, ये 4500 का बताया इन्होंने मुझे। बाकी इनकी शॉप का मैंने आपको दिखा ही दिया ऊपर नाम, अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। वैसे इनके पास कंबल भी मिलते हैं, बट अब भाई गर्मियों का टाइम है तो ये लोग कूलर बेचते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऊन मार्केट भी है, कंबल मार्केट भी है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। बाकी काफ़ी सारा मटेरियल था यहाँ पे। अब जो आप यहाँ पे ये छोटा सा कूलर देख रहे हैं इसका रेट है 2500। हाँ जी, जो ऊपर और ये जो नीचे कूलर है इसका रेट है 2500 रुपये। ये छोटे छोटे से कूलर्स का रेट 2500 था। कंपनी इनकी अलग अलग थी, किसी की महाराजा थी, किसी की क्लासिक थी, किसी की डेजर्ट थी, वो डिपेंड करता है आप कौन सा कूलर ले रहे हैं, कौन सा डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो छोटा सा ब्लू कलर का कूलर है इसका रेट था 2500 रुपये। हाँ जी, इसका रेट था 2500 रुपये। कहीं पर भी फिट हो जाएगा, कमरे में लगाना है, कहीं पे भी लगाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। ये शो भी अच्छी देते हैं ये वाले कूलर, और रेट भी इनका कम होता है, साइज़ तो वैसे ही कम होता है। देन ये दूसरा कूलर था यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में था, इसका रेट उन्होंने मुझे बताया 1800 रुपये। हाँ जी, मैं भी हैरान हो गई कि 1800 रुपये में
साइज़ भी बड़ा मिल रहा था और कूलर भी अच्छा मिल रहा था। देन यहाँ पे ये जो क्लासिक के कूलर हैं लोहे के, ये आपको 1800 रुपए के मिल रहे थे। बाकी कूलर्स की तो देखिए वैरायटी बहुत सारी थी इनके पास भी। ये जो कूलर आप देख रहे हैं ये बड़ा सा, इसका रेट उन्होंने बताया 4500 रुपए। हाँ जी, इसका रेट था 4500। हनी कॉम पैड के साथ ये वाला कूलर आपको मिलेगा। इन पे कोड भी हो रखा है कि इनके साथ क्या क्या मिलेगा, देख ही सकते हैं आप। इस पे लिखा भी हुआ था कि हनी कॉम पैड हो गया इसके। अभी तो ये साइड से नहीं दिख रहा है उतना, बट अच्छा था कूलर। फिर यहाँ पे ये छोटा सा कूलर था जो लोहे में लेना चाहते हैं पर थोड़ा छोटा लेना चाहते हैं साइज़ में, उनके लिए बहुत ही बढ़िया था 1800 रुपए का। जी हाँ, ये मिल रहा था सिर्फ 1800 रुपए में। फिर यहाँ पे महाराजा के मिल रहे थे कूलर जो कि काफ़ी ही सुंदर लग रहे थे देखने में। ये भैया ने मुझे बताया कि 90 लीटर के हैं ये सारे ही कूलर। हाँ जी, ये सबका रेट था 6000 रुपए। बस ये 6000 रुपए में आपको इतना बड़ा कूलर और इतना बढ़िया कूलर मिल रहा था जो देखने में भी फैंसी है और काम भी अच्छा करता है। देखिए, सारे महाराजा के थे इनके पास और रेट सबका 6000 रुपए था। ये जो भी कूलर मैं आपको दिखा रही हूँ अभी यहाँ पे, इनका रेट था सिर्फ 6000 रुपए। बाकी बार्गेनिंग वगैरह चल जाती है, रिक्शा वगैरह किराया आपको खुद ही देना पड़ेगा। बाकी कूलर बहुत ही बढ़िया थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलर के पार्ट बन रहे थे, एक शॉप मैंने देखी जहाँ पे कूलर के पार्ट बन रहे थे। ये यहाँ पे होलसेल में भी दे देते हैं अगर आप होलसेल में लेना चाहते हैं इनसे, या फिर आपकी शॉप है तो शॉप के लिए लेना चाहते हैं, या फिर आप खुद ही कूलर के पार्ट जुड़वा के बनाना चाहते हैं। बाकी उन्होंने बताया कि 4500 में भी बन जाएगा, 5000 5500 में ये लोग कूलर तैयार करके दे देते हैं। बाकी फ़र्क यही होगा कि इनका थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा सा भारी होगा। बाकी जब आप शॉप पे जाते हैं आप पता कर ही लेते हैं कि पकड़ के कि भाई कैसा होगा कूलर। तो बाकी इनके पार्ट्स वगैरह आप देख ही सकते हैं, थोड़ा बहुत दिख ही रहा है इसमें कि कैसा होगा। अंदर काम चालू है, ये लोग खुद ही बनाते हैं सारे पार्ट्स वगैरह, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आप लोगों के लिए कवर किया जाए। अब मुझे यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे कूलर जो कि थे लोहे में भी प्लास्टिक में भी, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के कूलर दिखे। बाकी गाइस, मार्केट में कमी नहीं है कूलर्स वगैरह की, आप जाएंगे तो आपको भरमार मिल जाएगी कूलर की। लोहे के चाहिए अगर आपको तो लोहे का मिल जाएगा, प्लास्टिक का चाहिए तो प्लास्टिक का मिल जाएगा। कलर डिज़ाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप देखते देखते थक जाएंगे पर इनके पास वैरायटी ख़त्म नहीं होगी। हाँ जी, ये देखिए, ये वाला कूलर था 4800 रुपए का, बार्गेनिंग हो जाती है। आप शॉप पे जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा बार्गेनिंग वगैरह का। बाकी आप देखते रहिए, बहुत ही सारे कूलर हैं, बहुत ही सारे डिज़ाइन हैं। ये जो हनीकॉम पैड का जो कूलर है मैंने आपको पीछे दिखाया था वो महाराजा कंपनी का था, ये डेजर्ट कंपनी में है। और इन सभी में आपको हनीकॉम पैड मिल रहा है, काफ़ी फैंसी कूलर हैं। ये देखें, ये ब्लैक वाला, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अलग ही डिज़ाइन में है। ये वाला डेल्टा का है, अलग अलग कंपनीज वगैरह हैं, काफ़ी बड़े बड़े कूलर हैं, बहुत ही बढ़िया पीस मुझे लगा। अगर आपको फैंसी, अगर आप फैंसी चाहते हैं तो फैंसी के हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है। बाकी ये लोहे के हैं, डेजर्ट टाइप के जो सिंपल में चल ही रहे हैं आजकल, वो अपनी अपनी चॉइस होती है किसको कैसा कूलर पसंद है। फिर यहाँ पे अलमारी थी, ये 8000 की बताई इन्होंने मुझे। ऊपर ये जो आप कूलर देख रहे हैं क्लासिक के, इनका भी रेट अलग अलग है। भैया जी ने मुझे बताया कि रेट आपको मिल जाएगा 4000 रुपए का, ये जो ऊपर वाला कूलर है। बाकी गाइस देखिए, कूलर की वैरायटी तो बहुत ही सारी हैं, आप जैसा लेना चाहें आपको वैसा मिल ही जाएगा। लोग मार्केट में अभी भी घूम ही रहे हैं कूलर लेने के लिए। बाकी सबसे सस्ती मार्केट तो अब मैं कहूँगी कि मुझे भी लगा कि सस्ती ही है, क्योंकि अगर मैं अपने एरिया में रेट पूछूं कूलर का तो मुझे यही कूलर काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और अगर इंदर लोग की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे वही कूलर काफ़ी सस्ते दिखाई दिए जो भी मैंने पूछे रेट वगैरह। सारे कूलर्स का तो मैं नहीं बोल सकती पर जितने कूलर्स का मैंने पूछा और जो मैंने अपने एरिया में देखे हैं उस हिसाब से मुझे इंदर लोग के कूलर काफ़ी ही सस्ते लगे। तो अगर आप जा रहे हैं शॉपिंग करने तो पहले अपने एरिया के रेट पूछ लीजिए, उसके बाद आप जाइए। आप फिर आप वीडियो देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आपको चीप पड़ेगा। बाकी अगर आप मेरी एडवाइस लें तो, अगर आपका छोटा कमरा है, आपको कैसा कूलर चाहिए तो उस अकॉर्डिंग, अगर आपका छोटा कमरा है तो आप प्लास्टिक के कूलर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का कूलर तो रूम कूलिंग के लिए बेस्ट है।
बाकी उसमें हवा पास करने के लिए अगर आपके पास कोई है वहाँ पे कोई खिड़की कोई दरवाज़ा तो आप उसके पास उसको लगा सकते हैं तो काफ़ी अच्छी कूलिंग होगी। बाकी अगर आप लोहे का कूलर तो हर टाइम देखिए बेस्ट होता ही है क्योंकि उसको आप अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, आप नीचे वाले फ्लोर पर लगा सकते हैं, अगर कहीं से रास्ता है हवा पास करने का तो आप लगा सकते हैं। बाकी गाइस मार्केट रिलेटेड और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।